एडलर टेस्ट में भारतीय टीम को 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस ग्रे नाइट टेस्ट में जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया के अपने दूसरे और विदेश में पहले पिंक बॉल टेस्ट में ये पहली हार है। भारत ने पहले डे नाइट टेस्ट में अपने घर में पिछले साल बांग्लादेश को पारी और 46 रन से हराया था। एडलर टेस्ट का तीसरा दिन टीम इंडिया के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 244 रन बनाए थे। इसके जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 191 रन पर समेट दिया था। इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 9 विकेट गंवाकर 36 ही रन बना सकी और ऑस्ट्रेलिया को 90 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवाकर 93 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया है। दोनों विकेट रविंद्र चंद अश्विन ने लिया। ओपनर मैथ्यू वेड 53 बॉल पर 33 रन बनाकर आउट हुए। विकेटकीपर रिद्धिमान शाह ने उन्हें स्टंप आउट किया। इसके बाद अश्विन ने मार्क लाबुसेन को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करवाया।